याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। क्या हुआ बताओ, चाय वाय नहीं लाए क्या? उधर आते ना तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि नहीं रुक जाते आज कल चलेंगे मॉर्निंग पे, और साथ ही साथ माँ दादी भी चलती है। तो यार दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं देहरादून की तरफ, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रही है, हमने दर्शन वर्शन भी कर लिए है, बट आते वक्त हमारे दोस्त का जो बाइक था उसका गियर अटक गया था, एक्चुअली वो कीचड़ में फिसल गया था, काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था, मैं तो बच बच के आ गया, बट ये और सचिन गिर गए थे कीचड़ में, तो गियर इसका अटक गया था, बस उसी को बना रहे, ये देखिए। और बाकी एक गाड़ी ये रही अपनी एंटॉर्क, और ये की रही, और ये भाई लोग देखते हैं फटाफट गियर वियर बनाते हैं उसके बाद चलते हैं, अभी तो बहुत दूर जाना है और तेल वेल भी कम है, तो पेट्रोल पंप मिल जाएगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर देखते हैं क्या होता है, आप लोगों में बने रहना। बाकी ये राम मंदिर का एंटर ये चक्कर है, बाकी अभी हम निकल रहे हैं देहरादून के लिए। जैसा कि आप सभी को पता था आपका भाई क्या था योगी नारायण, मैं और मेरा फ्रेंड और बाकी दो मित्र ये पीछे आ रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं देहरादून, व्यू चेक कराते हैं आपको, ये चेक करेंगे आपके। एक्चुअली आज मैं फ्रंट से बना रहा हूँ वीडियो, तो देखता हूँ कैसा आता है एंगल। बाकी देहरादून जा रहे हैं हम, रास्ते के अपडेट आप तो आपको देते रहेंगे, बाकी ब्लॉग में बने रहना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय महादेव। तो यार दोस्तों जैसे कि आपको भी पता था आपका भाई ज़्यादा त्रियोगी नारायण, तो हम रास्ते पे पहुंच चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम देहरादून, त्रियोगी नारायण में हमारे दर्शन वर्शन हो चुके हैं, तो हम यहाँ थोड़ा पानी वानी पीने के लिए रुके थे, और ये हमारे दोस्त। गाइस कैसा लग रहा है आप सभी को? ठीक ही लग रहा है, ये झूठ बोल के लाया है यहाँ। क्या झूठ बोला? कौन ये आई है? ये क्या बोला झूठ? ये बोला था मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी। हल्द्वानी हाँ, वो हरिद्वार से ये सच्चे से मैं समझ गया। तो यार खाती जी ने बोला था कि हम चलेंगे कैंची धाम करके, ये झूठ बोल के मतलब इसको लाया, इसने बोला चलो कैंची धाम चलते, क्योंकि हमारे साथ पहले केदारनाथ आ चुका था, फिर वही रास्ता है, तो हम तो इसको ले गए केदारनाथ से उधर ही ले गए त्रियोगी नारायण, तो मजा आया ना? मजा अशब्द प्रयोग ना करें कृपया। खाती जी आपने क्या झूठ बोला इससे? कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला तो ये आप आरोप क्यों लगा रहे हैं आपसे? इनका तो अभी हो गया है ना अनजड़ पंजड़ ढीला, तभी आरोप लगाए जा रहे हैं। और दीपन भाई बताइए आप कैसा लग रहा है? वो बढ़िया लग रहा है। हमारा दीपन कहीं भी जाता ना ये बोलता है कि भाई मेरे को ड्यूटी जाना, जल्दी चलो जल्दी चलो, आने से पहले इसको जाने की देरी होती है। वहाँ भी त्रियोगी नारायण ने बोले कि भाई रात को चलते हैं ड्यूटी जाना है मेरे को। बढ़िया भाई, क्या करोगे इतना पैसा कमा के? बस यही जो मंदिर में दर्शन करेंगे, वही करोगे वही। और ये देखो पहाड़ों में नेचुरल पानी आते हुए, और ये चक्कर है दोस्तों। तो निकलते हैं अभी, अभी तो हम बहुत दूर है, लग रहा नहीं आज पहुंचेंगे देहरादून, तो देखते हैं जैसा भी रहेगा, अगर श्रीनगर रुकना पड़ा है तो रुक जाएंगे, नहीं तो देहरादून निकल जाएंगे, बट 2-3 बजे से पहले नहीं पहुंचने देगा आपको देहरादून। तो लस्सी क्या होता है स्टेट्यू आप सभी को पता था, हम गए त्रियोगी नारायण, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं श्रीनगर, वहाँ से काफ़ी लेट निकले, तो हमारे एक भाई जी का है होटल है, जो आपने केदारनाथ वाले ब्लॉग में देखा होगा, जो हमने रात को पार्टी वार्टी करी, मतलब खाना वाना बनाया था बहुत ही अच्छे, वो तो अभी कहीं गए, बट दूसरे अंकल हैं उनसे पूछ तो थोड़ा, और दीपेन और अंकल का वो डिस्कस चल रहा है, दीपेन बोला है कि पहाड़ों में लाइव नहीं, और अंकल बोले कि शहरों में लाइव नहीं, तो उस बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, आपको भी दिखा दो। तो अंकल आप बताइए पहाड़ों में क्या है? पहाड़ में कुछ नहीं है। क्या है अंकल ने तो मेरी बेइज्जती कर दी, पहाड़ों में कुछ नहीं कर दिया, कुछ तो बता दो अंकल जो है आपको दिखाई दे रहा क्या पहाड़। नहीं नहीं, हमारे दिपेन भाई कहना चाहते कि पहाड़ों में कुछ नहीं करिए, और आप बताइए पहाड़ों में क्या है? वही पेड़ किसी भी जगह के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हर जगह हर चीज में परफेक्ट है। सही बात है दिपेन, तुम मतलब क्यों कह रहे हो ऐसा? इस बात से एग्री हूँ मैं। किस बात से? किस बात से?
कुछ हमारे भाई साहब देखो क्या सो रही है ये, हमारे भाई साहब बता रहे की वो रोड ऊपर काम चल रहा है रोड कटिंग का, ये चेक करे आप ये। तो हमारे विनोद भाई बोले कि रोड कटिंग का काम मतलब कहाँ जा रही है रोड, कौन से पूछते और आपको राय देते बताइए जरा आप। हे प्रभु, हे परमेश्वर, ये क्या हुआ? सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए कुछ। ये जो ऊपर की ओर जा रहा है कौन सी नहीं है वो वाली रोड? हाँ वो किसका बताइए ना। ये शहर के लोगों को कुछ पता तो है नहीं, पहाड़ की बेइज्जती करने में पड़े भाई कुछ नहीं है। यहाँ देखो रोड तो है, प्राकृतिक पानी बह रहे हैं तुम्हारे पहाड़ों में, वो ये चेक करे गाइस, ये चेक करे उसका पानी पिया जाता है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। जो नाला बहता है शहर में उसका पानी पिया जाता है, काला पानी वाला। सही बात है, सही बात है। पानी देखो कितना नीचे मिल रहा है पानी यार, सामने देखो हिमालय कितना बढ़िया दिख रहा है व्यू, पे कितना टैक्स लगता है पानियों पे। आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? मैं कहना चाहूंगा प्रभु वो रोड के ऊपर ना वो कुछ ना बनाया जाए, इसे रहने कुछ ना बनाया जाए बोल रहे हैं। और आप क्या कहना चाहोगे? यार ये शहरी लोग बहुत खराब है, पहाड़ में गंदगी फैला के जाते हैं उसके बाद पहाड़ की बेइज्जती करके। सही बात है, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा बस आप डर गए, डर गए। अरे पहाड़ियों पे भारी है यार, हम पहाड़ी बंदे ना, मतलब पहाड़ियों पे नहीं मतलब भारी लोगों पे भारी है, वो बिहारियों पे खास कर भारी है। बोल ही नहीं पा रहा कुछ, बोलना कुछ यार, प्यार बोल कुछ, तो कुछ कहना चाहोगे आप? मैं सब कुछ कहना चाहूंगा। बताइए 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 कि पहाड़ में कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है पहाड़ में, लकड़ी ढो क्या चीज नहीं है, तुम ये बताओ ना, कुछ बताओ बताओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ना ही जोमेटो ना ही स्विगी, ये भी घर पे आओ फ्री में खाना मिल जाए। सच में पक्का मिलेगा? पक्का मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो? नहीं मिलेगा तो चाहो तो वो करेंगे। लेकिन पहाड़ों पे कितनी भी बारिश हो जाए लेकिन पहाड़ वहाँ के वहीं रहते हैं। सही बात है, देखो पहाड़ कब से होंगे पता नहीं, कोई पता ही नहीं है इनका। सही बात है, आप कुछ कहना चाहोगे? शहर में अगर पानी नाला भर दे पूरा कमरा तक का पानी चले जाए, और पहाड़ों में देखो बढ़िया एकदम पानी ऊपर से आएगा नीचे बह जाएगा, शहर में तो पूरा पानी पानी हो जाएगा, स्विमिंग पूल बन जाएगा पूरा। कुछ कहना चाहोगे? की बात अलग है, वो तो बाढ़ यहाँ भी पहाड़ पे आई थी। अच्छा, सबको बहा ले गया आदमी। अच्छा, सही बात है, लाखों आदमी गए। आप कुछ कहना चाहोगे? ना नहीं, ये समझने वाले नहीं है पहाड़ वालों से आप। ओके गाइस, दोनों की हो गई है कंट्रोवर्सी, इसमें जीता है हमारा सचिन सिंह खाती जो कि हमारे पहाड़ से है। बिहारी हार गया है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। और मेरे तीन मित्र तो हम वहाँ से काफी लेट निकले थे, जिसके कारण हम श्रीनगर बहुत लेट पे पहुंचे, बहुत डिले पहुंचे, कम से कम 8 या 9 बजे पहुंचे थे। और फिर मेरे फ्रेंडों ने बोला कि श्रीनगर ही रुक जाते करके, और फ्रेंड लोग अभी आ चुके हैं। क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? चाय भाई नहीं लाया क्या? चाय भाई, अरे गाइस ये हमारे वेटर है ना, हमने इनसे चाय भाई मंगाई थी, बट ये चाय भाई लाए नहीं लाए, अभी इनको पीटते हैं। बाकी मैं क्या बता रहा था आपको कि हम श्रीनगर रुक गए थे क्योंकि हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, और देहरादून जाना रिस्की मामला और था, पत्थर वत्थर आते गढ़वाल के रास्ते, काफ़ी पत्थर वत्थर आते ना, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि नहीं रुक जाते आज, कल चलेंगे मॉर्निंग पे, और साथ ही साथ माँ धारी देवी के दर्शन भी कर लेंगे। यहाँ टेम्पल है माँ धारी देवी का जो कि डैम के बीचों बीच है, तो वहाँ दर्शन करके निकलेंगे। बाकी चाय वाय ठीक है अभी, और नहा के रेडी हो चुके हैं, हम चलते हैं माँ धारी देवी के टेम्पल पे, उसके बाद चलते हैं देहरादून पे। आप ब्लॉग में बने रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनने वाला है। बाकी हमारे चाय वालों से मिलाते, तो चाय वालों बताओ चाय वाय नहीं लाए क्या तुम? लाए ना चाय, यहाँ पैक करने का सिस्टम नहीं, चाय लाए ना पक्का? और हमारे खाती जी कहाँ रह गए? खाती जी को भी ब्लॉग, चलो चाय वाय तो लाए क्योंकि आपको पता ही है पहाड़ी बंदे हैं, बिना चाय के कहाँ काम चलता है। और ये हमारा रहा रूम छोटा सा, जो कि 500-600 में पड़ा, हमें ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक है एवरेज। हमें तो रात ही गाड़ी थी, इसके बाद हमें देहरादून ही निकलना है, और हमारी गाड़ियाँ नीचे पार्क कर रखी है,
बाकी बढ़िया सिस्टम सही था। क्या बोल रहा तू विनोद भाई, क्या बोल रहे हो? हाँ क्या बोल रहे हो? बिना साबुन का नहा लिया। हाँ हाँ बिना साबुन का रगड़ रगड़ के नहा लिया। तू क्यों नहीं नहाया? हम तो नहा गए, नहीं लग रहा मैं नहाया क्या? नहीं लग रहा हूँ, बेइज्जती कर रहे हैं। अरे खाती जी, खाती जी बताइए, चाय भाई का हमारा चाय अभी ऑर्डर देकर वो आएगा लेने के लिए, देने के लिए हमें खुद जाना पड़ेगा। आएगा वो लेने के लिए। अरे विनोद को भेज देंगे, विनोद किसी दिन आएगा। विनोद को भेजेंगे, विनोद किसी भाई। यार इसका चलते हैं वहाँ धारी देवी के टेम्पल पे। क्या बोल रहे हो यार? इसका सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या हो गया? रोड पे कितनी फोटो खींची, कितनी फोटो खींची, 100 या 200? अरे कोई पता ही नहीं है, कभी भूल के आए ऐसे, कभी बंदर की तरह। मतलब यार हम कैमरा ऑन कर देना, हम कैमरा भी ला रहे हैं, कैमरा ऑन कर दे। तो ये विनोद है, ये मतलब 100, 200, 300 फोटो जब तक इसकी खींचेंगे ना तो इसको सुकून नहीं मिलेगा। फिर बोलेगा उसके बाद लेट हो रहा है, तुम चलो चलो चलो, हमारी खींचने नहीं देगा। क्या बोले, चलो याद आती है वो लड़की, बहुत याद आती है वो लड़की, बहुत याद आती है वो लड़की, बहुत याद आती है। लड़का याद आते तेरे को? यार तो खतरनाक सीन शॉट लग रहा है। विनोद भाई का डांस देखिए आप, कोई चेक करेगा। एक बढ़िया गाना लगा दे खाती जी, मजा आ जाएगा। चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा।
Oh,